हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे बहुत सारा वेबसाइट्स है जो हम लोग को ट्रैक कर सकता है सो देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज जो हम लोग ने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में ट्रैकिंग स्क्रिप्ट के बारे में जो ट्रैकिंग स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग स्क्रिप्ट हम लोग को ट्रैक कर सकता है जो भी हम लोग का ऑनलाइन में एक्टिविटी होता है तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज जो पहला वेज था दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस जो हम लोग का आईपी एड्रेस है आईपी एड्रेस से हम लोग को ट्रैक कर सकता है ठीक है तो ने अभी हम लोग इस क्लास में सीखेंगे और जो बाकी जो है उसके बारे में ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो तो सेकेंड जो है दैट इज कॉल्ड कुकीज सो हम लोग का जो कुकीज होता है सो so कुकी से भी हम लोग को ट्रैक कर सकते हैं ठीक है कैसे कर सकते हैं तो कुकीज होता क्या है कुकीज आर स्मॉल डेटा फाइल्स जो क्या है एक बहुत ही स्मॉल डेटा फाइल होता है विच आर सेंड बाय द वेबसाइट यू विजिट एंड जनरेटेड बाय योर ब्राउजर जो uh, कौन उसको सेंड uh, करता है जो भी हम लोग का जो uh, वेबसाइट होता है जो भी वेबसाइट हम लोग विजिट करते हैं ना जो वेबसाइट हम लोग विजिट करेंगे वो वेबसाइट ही हम लोग को डायरेक्टली ये कुकीज uh, भेज देता है ठीक है और इसको कौन जनरेट करेगा इसको ब्राव, ये ब्राउजर जनरेट करेगा ठीक है मतलब अपने आप जनरेट करेगा ठीक है विच आर सेंड बाई वेबसाइट यू विजिट जो भी हम लोग वेबसाइट विजिट करेंगे वो लोग करेंगे, वो आप अपना जो कुकीज़ होगा ठीक है और उसको कौन जेनरेट करेगा ब्राउजर ठीक है याद रखना डिवाइस और ये क्या होगा हम लोग का जो डिवाइस है वहां पे स्टोर होगा ठीक है डिवाइस में जो ब्राउजर का एक मेमोरी होता है वहां पे स्टोर होता है कुकीज आर यूज टू ट्रेक योर रेकॉर्ड टू विजिट टू ए पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज तो जो कुकीज होता है वो किस लिए use जाता है यूज टू योर रिकॉर्ड किस लिए रिकॉर्ड हम लोग का जो रिकॉर्ड है उसको ट्रैक करने के लिए और विजिट टू ए पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज ठीक है सपोज कोई वेबसाइट हम लोग बार बार उसको यूज करते हैं तो कुकीज uh, से क्या होता है उसका एक स्मॉल एक फाइल हम लोग का ब्राउजर में स्टोर होता है तो सपोज नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग उसको ब्राउज करेंगे तो वो फटाक से ब्राउज होता है ठीक है क्योंकि ऑलरेडी उसका कुकीज हम लोग का जो ब्राउजर है उसमें स्टोर है हम लोग का डिवाइस में स्टोर है ठीक है तो कभी कभी नेट अगर चला भी जाता है ऑफलाइन हो जाते हैं हम लोग फिर भी वो मतलब जो वेबसाइट है जो डिजायर्ड वेबसाइट हम लोग ने सर्च किया था वो ओपन होता है क्यों ओपन होता है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने प्रीवियस टाइम्स में जो भी ब्राउज किया था उसका कुकीज ऑलरेडी डिवाइस में स्टोर है ठीक है ए वेबसाइट रिकोगनाइज यू विद द हेल्प ऑफ कुकीज व्न यू अगेन विजिट द वेबसाइट ऑलरेडी मैंने बोला सिमिलरली व्न यू यूज योर क्रेडिट कार्ड फॉर एनी ट्रांजेक्शन ए कुकी विल स्टोर योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन जब जब भी हम लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उसका लॉग इन इन्फॉर्मेशन कुकी सेव करके रखते हैं ठीक है डिफरेंट वेब ब्राउजर सेव डिफरेंट प्राइवेसी सेटिंग यू कैन गो टू योर ब्राउजर सेटिंग एंड चूज प्राइवेसी प्राइवेट ब्राउजिंग अगर तुमको ये नहीं चाहिए ठीक है कुकीज अगर तुमको स्टोर करना पसंद नहीं है तो अगर तुमको प्राइवेट ब्राउजिंग करना है अगर कोई तुमको ट्रैक नहीं कर पाएंगे ठीक है तो तुम एनोनोमस एनोनोमस भी ब्राउजिंग कर सकते हो ठीक है जैसे इनकोग्निटो मोड है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लासेस पे देखेंगे हम लोग ठीक है

उसको तुमने सबमिट नहीं किया फिर भी उसका इन्फॉर्मेशन जब तुम क्लोज करके फिर से ओपन करोगे तो उसका इंफॉर्मेशन फिर मतलब फिर से रिस्टोर हो जाता है क्योंकि कुकीस में क्या होता है उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है ठीक है फॉर द विजिटेड फॉर यू यूज योर योर कार्ड टू रिचार्ज फोन द द साइट ऑल फ्रिक्वेंटलीफॉर्मेशन एंड यू ओनली हैव टू एंटर द पासवर्ड और सीबीसी नंबर जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन uh, क्या होता है बार बार तुम uh, सब कोई शॉपिंग कर रहे हो ठीक है तो जो भी नेम्स होता है जो भी uh, information होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है जस्ट तुमको उसका password और CVC number एंटर करना पड़ता है, है? 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 है ठीक ठीक जब online shopping करते हो, थीके? तो ऐसा मतलब क्या होता होता इस, इसके कारण ये फर्स्ट पार्टी कुकीस के कारण होता है ठीक uh, है तो सेकंड जो है थर्ड पार्टी कुकीज ये क्या है दीज आर द डिटेल्स ऑफ योर सर्च हिस्ट्री एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री ओके

तो ये हो गया कुकीज के बारे में नेक्स्ट और एक कुकीज है हाँ और एक कुकीज कुकीस सेशन कुकीज ये क्या होता है सेशन कुकीज दीज आर दूर कुकीज दैट आर डिलीटेड आफ्टर यू क्लोज डाउन योर ब्राउजर ये जो कुकीज होता है ये तुम जब uh, अपना ब्राउजर uh, को क्लोज करोगे उसके बाद ये चला जाता है ठीक है तो नेक्स्ट होता है सुपर परसिस्टेंट कुकीज ये भी एक कुकी uh, ही होता है ये क्या है

ये जो कुकीज होता है ये एनोनोमसली तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा आ, फोन जो है जो तुम्हारा लैपटॉप है वो ट्रैक हो रहा है ठीक है ये जो कुकीज है ठीक है जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है लाइक जियो होता है एयरटेल होता है ठीक है वो लोग वो लोग भी करते हैं ये सब तो ऐसा कुकीज होता है जो कुकीज एनोनोमसली तुम्हारा डायरेक्ट तुमको पता नहीं चलता है लेकिन तुम्हारा मोबाइल में स्टोर होता है और तुम जो आ, कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री तुम्हारा ठीक है हैबिट्स ऑफ ए यूजर तुम कौन सा कौन सा वेबसाइट तुम सर्च करते हो ठीक है क्या तुमको पसंद है क्या नहीं पसंद है क्या मतलब कौन सा चीज तुमको मतलब तुम खरीदते हो ज्यादा ठीक है तो उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन उसके पास चला जाता है ठीक है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं और ये जो प्रोवाइड होता है वो एच मतलब एच टी टीपी हेडर के द्वारा ये मलब, HTTP, मतलब बाई हेडर एच मतलब जो भी तुम सर्च करते हो तो होता क्या है वहां पे एक रिक्वेस्ट जाता है यस और नो उस उस रिक्वेस्ट का नाम क्या होता है एच टी ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था Zoom क्लास में भी डिस्कस किया था तो आ, ये जो होता है जब कोई भी तुम वेबसाइट विजिट करते हो तो जो भी रिक्वेस्ट जाएगा एच टी टीपी ठीक है वो रिक्वेस्ट 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 के कारण जो भी तुम्हारा इंफॉर्मेशन होता है वो आई एस पी उसको कलेक्ट कर लेता है ठीक है कलेक्ट करने के बाद वो, uh, history, interest, तुमको हो होता है, और तुम्हारा इन्फॉर्मेशन से तुमको एड आने लगेगा तुम्हारा मोबाइल में, आएगा, आएगा तुम्हारा में इस टाइप का होता है तो ये हार्मफुल नहीं है ज्यादा लेकिन जस्ट तुमको uh, मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है ये हार्मफुल नहीं होता है उतना ठीक है मतलब जो आई होता है डेफिनेटली वो तो uh, मतलब एक रेप्यूटेड कंपनी होता है जियो एयरटेल

मतलब ऐसा मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ऐसा टेक्नोलॉजी है कि तुम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते ये बहुत ही मतलब डिटेक्ट कर भी सकते हो लेकिन तुमको पता ही नहीं चलेगा ठीक है ये बहुत एनोनोमसली होता है ठीक है तो इसलिए मतलब क्या होता है ये मैक्सिमम यूजर्स को पता नहीं चलता कि मेरे जो मेरा जो फोन है वो ट्रैक हो रहा है मेरा जो डिवाइस है वो ट्रैक हो रहा है ठीक है मैंने तो ये मैंने तो ये ब्राउज नहीं किया था ठीक है मैंने तो रजिस्टर नहीं किया था फिर भी मुझे एस एस आ रहा है

एडवर्टाइजिंग uh, एडवर्टाइजमेंट वो लोग कर सकते हैं प्रोमोशनल कर सकते हैं वही वो, वो लोग करते हैं ठीक है? तो, है ये भी एक तरीका होता है जहां से हम लोग को ट्रैक कर सकते हैं वेबसाइट वेन यू क्लिक ऑन द वेबसाइट लिंक टू ओपन ए सोर्स इंफॉर्मेशन यू रिक्वेस्टेड फॉर द डेटा लाइक योर आईपी एड्रेस Location, machine type, web browser, etc., is sent to the link website. The website will not only set up a cookie in your browser but also record the URL of the website where you came from. So, HTTP Refer can be defined as an online source which increases the visits and the number of visitors to a website. होता क्या है मैं सिंपली इतना मतलब कॉम्प्लीकेटेड पढ़ने का जरूरत नहीं मैं सिंपली तुमको बोल देता हूँ क्या होता है कि जो भी जो भी तुम लोग ब्राउजिंग करते हो ना ठीक है यहाँ पे एक साइड एक यहाँ पे हाँ यहाँ पे भी होगा जो भी तुम लोग ब्राउजिंग करते हो ब्राउजिंग करने से क्या होता है कि सपोज यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे किस बेस्ट स्कूल कंप्यूटर ये जो लिंक है ये जो ये जो लिंक है ये लिंक मतलब इसका एक मतलब ये जो वेबसाइट है ये एक वेबसाइट है किब्स डॉट इन ठीक है हम लोग का जो बुक ये बुक का पब्लिशर है तो कीव्स डॉट इन का एक वेबसाइट है तो जब भी हम लोग ये वेबसाइट में विजिट करेंगे ये वाला वेबसाइट में विजिट करेंगे तो क्या होता है हम लोग का जितना सारा इंफॉर्मेशन होता है जो भी हम लोग जो जो मेरा सिस्टम जब मैं अपना सिस्टम से अगर मैं एक्सेस करूंगा किब्स डॉट इन को ठीक है मैं अगर उस वेबसाइट को विजिट करूंगा मैं अपना सिस्टम से तो क्या होगा कि मेरा जितना सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो चला जाएगा लाइक like, मेरा आईपी एड्रेस मैं कहा से उसको एक्सेस कर रहा हूं कौन सा जगह से जियोग्राफिकल लोकेशन कौन सा मशीन है मेरा ठीक है कौन सा टाइप का मशीन कौन सा टाइप का लैपटॉप में यूज कर रहा हो कौन सा वेब ब्राउजर में यूज कर रहा हो तो पूरा इन्फॉर्मेशन ये जो वेबसाइट है उन लोगों के पास चला जाता है नॉट वेबसाइट जो ये वेबसाइट जहां पे लोकेटेड है मतलब ये जो वेबसाइट है कहाँ पे वो सर मतलब होस्टेड है ठीक है तो जहाँ पे होस्टिंग होगा ये वेबसाइट मतलब जहाँ पे सर्वर होगा ये जो वेबसाइट का सर्वर जहाँ पे होगा

ट्रैक कर पाएंगे तो सिंपली uh, यही है एस डी पी रेफर ठीक है ओके तो यहां पे दिया हुआ है व्हेन यू क्लिक ऑन दिस लिंक ए न्यू पेज वेबसाइट ओपन योर इन्फॉर्मेशन लाइक आईपी एड्रेस लोकेशन एट्सेट्रा विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू द वेबसाइट समझ में आएंगे नहीं सेम चीज मैंने ऑलरेडी बोल दिया ठीक है नेक्स्ट क्या है दैट इज कॉल्ड यूजर एजेंट ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हम लोग को ट्रैक कर सकते हैं user agent refers to a software program such as your browser or session initiating application like skype or any other web calling application when you initiate a web session this application passes your information such as application type operating system use software source version etc this information can be tracked and stored by web server to determine the user's web activities and behavior okay? सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक like हम लोग Zoom क्लासेस करते हैं ये और नो तो जब भी हम लोग Zoom क्लासेस करेंगे तो क्या होता है ये आ, अपना ब्राउज़र से जब भी तुम Zoom क्लास कर रहे हो ना कोई भी काम कर रहे हो तो क्या होता है Zoom के पास जो भी एप्लीकेशन होगा उस एप्लीकेशन के पास तुम्हारा पूरा सिस्टम का इंफॉर्मेशन होगा समझ में आया कि नहीं व्हेन यू इनिशिएट ए वेब सेशन लाइक कोई भी अगर वेब सेशन अगर तुम ऑन करते हो तुम्हारा जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो चला जाता है ठीक है कौन सा एप्लीकेशन तुम यूज कर रहे हो कौन सा जूम अगर जूम यूज कर रहे हो तो अगर ब्राउजर से अगर जूम यूज कर रहे हो तो उसका एप्लीकेशन टाइप कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो जूम यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो विंडोज टेन सेवन कौन सा सॉफ्टवेयर का सोर्स क्या है उसका वर्जन क्या है एवरीथिंग तुमको मिल जाएगा मतलब तुम सॉरी तुमको नहीं मिलेगा उसको मिल जाएगा ठीक है तो ये फैसिलिटीज उसके पास अवेलेबल है समझ में आया कि नहीं अगर तुम लोग मतलब लाइक व्हाट्सएप अगर तुम लोग यूज करते हो ना तुम लोग को पता नहीं होगा शायद व्हाट्सएप में अगर तुम लोग यूज कर रहे हो ना तो व्हाट्सएप के पास तुम्हारा पूरा इन्फॉर्मेशन है तुम कहाँ से व्हाट्सएप को एक्सेस कर रहे हो तुम्हारा लोकेशन क्या है कौन सा जियोग जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके बाद तुम कौन सा मोबाइल फोन तुम यूज कर रहे हो तुमने क्या मैसेज किया एवरीथिंग तुम्हारा जितना सा इन्फॉर्मेशन है यूजर्स का जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप का सर्वर के पास होता है ठीक है तो और एक तरीका है यही होता है यूजर एजेंट और एक तरीका है अगर तुमको देखना है कि प्रैक्टिकली uh, अगर देखना है कि कैसे होता है तो यू कैन फाइंड आउट द डिटेल्स आर सेंड बाई द्राउजर्स टू ए वेबसाइट बाई टाइपिंग माई यूजर एज एन तुम अपना ब्राउजर में माई यूजर एज एन ऐसे टाइप करना

मोजिला कौन सा यूज कर रहे हो ठीक है 60 कौन सा बोला तुम्हारा 64 होट या थर्टी टू बीट यूज कर रहे हो ये तुम्हारा वेब सर्वर है ठीक है और कौन सा के एच टी एम एल यूज कर रहे हो लाइक जीक्यो ये बहुत सारा वर्जन है क्रोम क्रोम का वर्जन है ठीक है तो आ, ये पूरा इन्फॉर्मेशन तुम लोग को मिल जाएगा मतलब यहाँ पे दिखने के लिए मिल जाएगा ये ऑलरेडी ब्राउजर के पास ऑलरेडी अवेलेबल है ठीक है

एनोनोमसली uh, हम लोग ब्राउजिंग कर सकते हैं ठीक है इन द एब सेक्शन यू हैव सीन दैट द द ब्राउजिंग वेब ए यूजर मे विश टू हाइड हिज आइडेंटिटी ऑन द वेब एज द इंफॉर्मेशन मे बी यूज फॉर ट्रेकिंग आवर वेब मूवमेंट अटैकिंग आवर प्रोफाइल इन द साइबर वर्ल्ड ठीक है ना तो कैसे हम लोग सिक्योरली uh, हम लोग ब्राउजिंग कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे दैट इज कॉल्ड एनोनोमस ब्राउजिंग के बारे में ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू ऑल ऑफ यू नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अः uh, ब्राउजिंग के ऊपर ओके okay? आज के लिए इतना ही